राम राम सारे भाई, है ना। आज है मेरा 75 आवर चैलेंज का 30वां दिन। सबसे पहले मैं सुबह उठकर आधा लीटर गर्म पानी पिया, उसके बाद फ्रेश होकर मैं चल दिया जिम के लिए। जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने ट्रेडमिल पर 10 मिनट की रनिंग, उसके बाद मैंने की स्ट्रेचिंग, उसके बाद मैं हमारे 100 सपाटे। आज मैं चेस्ट और ट्राइसेप का वर्कआउट करूंगा और लास्ट में 2 वर्कआउट करूंगा एब्स के। सबसे पहले मैंने चेस्ट का वर्कआउट किया इंक्लाइन बेंच प्रेस मशीन से 12 रेपिटेशन के 3 सेट। उसके बाद मैंने ट्राइसेप का पहला वर्कआउट किया रोप पुश डाउन केबल मशीन से 12 रेपिटेशन के 3 सेट। उसके बाद मैंने चेस्ट का दूसरा वर्कआउट किया डिक्लाइन बेंच प्रेस मशीन से 12 रेपिटेशन के 3 सेट। उसके बाद मैंने ट्राइसेप का दूसरा वर्कआउट किया ट्राइसेप पुश डाउन विद प्रोनेटेड ग्रिप 12 रेपिटेशन के 3 सेट। उसके बाद मैंने चेस्ट का तीसरा वर्कआउट किया फ्लैट बेंच प्रेस मशीन से 12 रेपिटेशन के 3 सेट। उसके बाद मैंने ट्राइसेप का तीसरा वर्कआउट किया ट्राइसेप पुश डाउन विद सुपरनेटेड ग्रिप 12 रेपिटेशन के 3 सेट। उसके बाद मैंने चेस्ट का लास्ट वर्कआउट किया पैक डेक फ्लाई 12 रेपिटेशन के 3 सेट। उसके बाद मैंने लास्ट ट्राइसेप का वर्कआउट किया ओवर हेड एक्सटेंशन 12 रेपिटेशन के 3 सेट। उसके बाद मैंने 2 वर्कआउट्स किए एब्स के 12 रेपिटेशन के 3 सेट। उसके बाद मैंने किया लोअर बैक का वर्कआउट 12 रेपिटेशन के 4 सेट। उसके बाद मैं आया जिम से घर, घर पर आकर मैं नहा धोकर खाना खाकर उसके बाद फिर मैं गया कॉलेज में। कॉलेज से घर पर आकर मैंने किया अपना शाम का वर्कआउट। सबसे पहले मैंने मारे 100 सपाटे 100 मारी मनदंड। आज मैं एब्स का वर्कआउट करूंगा। सबसे पहले मैंने 10 मिनट किया प्लैंक एब्स वर्कआउट, उसके बाद दूसरे नंबर पर मैंने किया क्रंचेज एब्स वर्कआउट, उसके बाद तीसरे नंबर पर मैंने किया लेग रेज 12 रेपिटेशन के 3 सेट। उसके बाद मैंने की 15 से 20 मिनट रनिंग। रनिंग करके मैंने अपना आज का वर्कआउट किया खत्म। उसके बाद नहा धोकर खाना खाकर उसके बाद मैंने पढ़ी श्रीमद भगवत गीता। आज हमने गीता में सीखा भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गुस्सा आए तो रोकना सीखे, गलती हो जाए तो झुकना सीखे, रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार अज्ञान और गलत रवैये उन्हें तोड़ देते हैं। उसके बाद फिर किया 5 का टास्क कंप्लीट। ये रही आज की सेल्फी। आज के हमारे सभी टास्क कंप्लीट। बोलो जय सिया राम।